अपनी झूठ बोलने की आदत को सच बोलने की आदत से रिप्लेस करते हैं तो सडनली यू आर गेटिंग रिस्पेक्ट, आपको इज्जत मिलना शुरू हो जाता है। अगर आपको साफ सुथरा रहने की आदत नहीं है और अल्लाह ताला की तरफ से आपको हदायत आती है और आप सफाई का ख्याल रखने लगते हैं, आप बहुत सारी बीमारियों से बचना शुरू हो जाते हैं, आप बहुत सारे लोगों को अच्छा लगना शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज द फैक्ट कि हमें तमाम वक्त खास तौर पे बच्चों अपने आप में एक सेल्फ एनालाइजिंग फैक्टर को एक्टिव करना होगा। क्या मैंने बोला? सेल्फ एनालाइजिंग फैक्टर। उससे क्या होता है कि आप सबसे पहले अपनी जात से इंसाफ करना शुरू होती है। आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि मैं शायद शौक करती हूँ अपनी वालदा से बात करते हुए, अपने बहन भाइयों से बात करते हुए, अपनी क्लास में। तो आई मस्ट गेट रिड ऑफ दिस हैबिट, मुझे इस आदत से निजात हासिल करना है। ये कोई मेरी शख्सियत का प्लस पॉइंट नहीं। मुझे कौन सी चीज आपको बताएगी? सेल्फ एनालाइजिंग फैक्टर। बड़ी सादा सी कहावत है, वो कहते हैं कि इफ यू वांट टू कंकर द वर्ल्ड, अगर तुम दुनिया को फतह करना चाहते हो तो सबसे पहले यू विल हैव टू कंकर योरसेल्फ, तुम्हें अपने आप को जीतना, फिर आप इस काबिल होंगे कि आप दुनिया को फतह कर सकते। क्योंकि जो दुनिया का फॉर्मेट है इसमें कहते हैं कि 99.99% लोग, उनको अल्लाह ताला ने सिर्फ इतनी ताकत दी है कि वो अपने आप को बदल सकते, और सिर्फ 0.1% पीपल्स आर ऑन दिस प्लैनेट जो दुनिया को बदलने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ फिनोमिना ये है कि हर बंदा दुनिया को बदलने के चक्कर में है, खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है, और उसका रिजल्ट ये आता है कि लोग नसीहत करते नजर आते हैं, लोग प्रीचिंग करते नजर आते हैं, बट जब आप उनकी जिंदगी को देखते हो तो उसमें उनके इलम की झलक ही नजर आती है। तो हम उसको इलम नहीं मानते जो आपकी शख्सियत को नहीं बदलते। अगर आपको ये पता है कि माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, अगर आपको पता है कि आपको शर्म और हया का एक पैकर बनना है बीइंग अ डॉटर, और अगर आपको पता है कि सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन अगर ये चीजें आपकी शख्सियत में नजर नहीं आती तो इसका क्या मतलब? इसका वेरी वेरी सिंपल मीनिंग कि आप वो शख्सियत हैं कि जिसके ऊपर किताबें रख दी गई हैं, जिसको जबरदस्ती स्कूल भेज दिया गया है, लेकिन आपने उस इल्म से फायदा नहीं उठाया, उसको अपनी जिंदगी पे अप्लाई नहीं किया। इसलिए इलामा इकबाल ने इस चीज को बड़े सादा और आसान लफ्जों में डिफाइन किया है कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जानती है। हमारा मसला कभी भी इबादतों का नहीं रहा। इबादतों में अल्लाह ताला ने, हमारे खालिक ने हमें बहुत रिलैक्स किया। ये हालत है तो रोज़ा माफ़ है, ये हालत है तो नमाज माफ़ है, ये हालत है तो गुसल इस तरीके से किया जा सकता है, ये हालत है तो इस तरीके से पानी पिया जा सकता है। बट आवर प्रॉब्लम इज, हमारा मसला इबादतों का है। और आजकल की जो जनरेशन है इसके साथ मुझे यही एक इशू है कि दीज पीपल्स आर लर्निंग फ्रॉम द मीडिया, ये माँ बाप से नहीं सीखते। और माँ बाप को ये जोर होता है कि आप जो बच्चे को कहेंगे बच्चा वो करेगा,